हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज ये दिन बुधवार 3 जुलाई 2024 को सीहोर मंडी में प्याज का क्या भाव रहा, जिसमें बोल्ड, छर्री, मीडियम हर तरह की क्वालिटी जो इस वक्त सीहोर मंडी में आ रही किसान भाई, उसका भाव अपन देखने वाले हैं। किसान भाइयों, सीहोर मंडी भाव एवं अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ये आप देख सकते हैं, सुपर क्वालिटी का लोट है। आप इक्का दुक्का इसमें आपको बोल्टा भी नज़र आ जाएगा, और मीडियम साइज़ वाला माल। कलर के मामले में बात करो किसान भाई, काफ़ी शानदार इसका कलर है। आप देख सकते हैं ये जो लोट किसान भाई बिका है आज सीहोर मंडी में 3300 रुपये प्रति कुंटल के भाव से बिका है। 3300 रुपये प्रति कुंटल के भाव से आज सीहोर मंडी में बिका है किसान भाई। इसमें आपको इक्का दुक्का बोल्ड नज़र आएगा, मीडियम साइज वाला प्याज है, वो छर्री माल भी इसमें कुछ मिक्स नज़र आएगा। ये लोट आप देखिए किसान भाइयों, कलर इसका मध्यम है, टीम है, किसी किसी का छिलका भी निकला हुआ है। मीडियम साइज वाला प्याज है, आप देख सकते हैं किसान भाइयों। ये लोट जो बिका है सीहोर मंडी में आज 2700 रुपये प्रति कुंटल के भाव से लोट बिका है, क्योंकि इसका कलर काफ़ी डाउन है। आप देख सकते हैं 2700 रुपये प्रति कुंटल के भाव से किसान भाइयों। प्याज की आवक की स्थिति बात करें तो इस वक्त दो सेट फुल हो रहे हैं, और एक आपको सूचना बता दें कि आप अभी प्याज यदि लाना चाह रहे हैं तो आपको लहसुन के पास ना होके गल्ला मंडी में प्याज की नीलामी स्टार्ट हुई है। गल्ला मंडी में आप प्याज लगाए तो आप परेशानी किसान भाई। ये लोट आप देख सकते हैं मीडियम साइज वाला माल है, कलर के मामले में काफ़ी शानदार। आप देख सकते हैं ये जो लोट बिका किसान भाइयों 3400 रुपये प्रति कुंटल के भाव से आज सीहोर मंडी में बिका है। 3400 रुपये प्रति कुंटल के भाव से आप देख सकते हैं, इक्का दुक्का इसमें आपको बोल्ड नज़र आ जाएगा। अब देख सकते हैं किसान भाइयों, आज हम छर्री मार्केट की बात करके सीहोर मंडी में छर्री का क्या मार्केट है प्याज का। किसान भाइयों, छर्री का जो मार्केट आ जा रहा है 1300 रुपये से लगा के 2500 रुपये तक छर्री का मार्केट रहा है। वो किसान भाइयों 2500 रुपये जो छर्री आएगी, आपको पता है कलर के मामले में और साइज़ के मामले में नंबर वन होना चाहिए, तो ये आपको छर्री का माल 2500 रुपये प्रति कुंटल तक भी मिल सकता है। किसान भाइयों, प्याज में एक समस्या बनी हुई है, प्याज अचानक से सड़ रहा है, काला पड़ रहा है, तो आप अपने स्टॉक चेक करते रहे। एक लोट ये देख सकते किसान भाइयों, बोल्ड साइज वाला माल है। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का इसमें आपको छर्री क्वालिटी का माल मिक्स मिलेगा। कलर के मामले करें कलर काफ़ी शानदार है, मिक्स वाला माल है। ये जो लोट बिका है किसान भाई 2800 रुपये प्रति कुंटल के भाव से सीहोर मंडी में का है, 2800 रुपये प्रति कुंटल के भाव से। तो किसान भाइयों, प्याज में वापस तेज़ी बनी हुई है, यानी कि 300 से 400 रुपये की तेज़ी इस वक्त वापस बनी है। आप देख सकते हैं तो किसान भाइयों, आने वाले समय में प्याज में तेज़ी बनने की संभावना काफ़ी लग रही है। उसका कारण क्या है किसान भाइयों, कि किसी किसी के लोट सड़ गए, जाली की जाली बढ़ गई किसान भाइयों। ये लोट आप देख सकते हैं फुल साइज वाला माल है। कलर के मामले में बात करें कलर शानदार है, छिलके भी शानदार आपको नज़र आ जाएंगे। ये जो लोट बिका है किसान भाइयों 3200 रुपये प्रति कुंटल के भाव से बिका है, 3200 रुपये प्रति कुंटल के भाव से। आप देख सकते किसान भाइयों, इसमें आपको इक्का दुक्का मीडियम साइज वाला माल और इक्का दुक्का आपको छर्री भी मिक्स मिलेगी। तो ये लोट है किसान भाइयों, शानदार क्वालिटी का लोट। किसान भाइयों, इस वक्त जो सीहोर मंडी में प्याज की मैक्सिमम आज की नीलामी गई है 3410 रुपये प्रति कुंटल के भाव से। जो हमने देखा उस समय प्याज की नीलामी आज गई है 3410 रुपये प्रति कुंटल। और यदि आपका प्याज सड़ा गड़ा या मिक्स रहेगा तो भी आपको कम से कम
1700 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से लोट मिलना ही है। तो किसान भाइयों, प्याज में तेजी बनी हुई, एक लोट ये देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी शानदार क्वालिटी का माल है, फुल साइज वाला माल है। आप देख सकते हैं कोई कोई प्याज ऐसा है एक हाथ में भी प्याज ले आ रहा है इकट्ठा, तो आप देख सकते हैं कुछ दागी माल भी इसमें आपको नज़र आ जाएगा। ये जो लोट बिका किसान भाइयों, 2600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है, क्योंकि इसमें माल सड़ा गड़ा भी निकला है और मिक्स माल है, दागी माल है, तो इस कारण ये प्रॉब्लम है। किसान भाई, इस वीडियो को दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें ताकि समय रहते उनको भी जानकारी मिल सके। वीडियो पर नए हो तो चैनल को